तो वेल गाइस, काफी टाइम से मेरे चैनल पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आर्टिस्ट मुझसे पूछ रहे थे वो ये था कि 2023 में उनके होम स्टूडियो के लिए सबसे बेस्ट माइक्रोफोन कौन सा होने वाला। आई नो गाइस कि मुझे इस वीडियो को आप तक लेकर आने के लिए काफी टाइम लगा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं चाहता था कि ये वीडियो इंडिया का सबसे बड़ा माइक कंपैरिजन वीडियो बन जाए। और इसके लिए मैंने डिफरेंट ब्रांड के सारे ही बेस्ट माइक्रोफोन्स को लेकर आया हूं, जो कि आपकी बजट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये ओवरऑल आइडिया देने वाले हैं कि आपके पर्सनल होम स्टूडियो के लिए इन सारे ही USB माइक्रोफोन में से सबसे बेस्ट माइक्रोफोन कौन सा होने वाला है। यस गाइस, 2200 रुपए से 10,000 की रेंज में जो सबसे बेस्ट माइक्रोफोन्स हैं इंडिया के, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी आपको देते हैं, वो सारे माइक्रोफोन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और आज हम करने वाले हैं इंडिया का सबसे बड़ा USB माइक्रोफोन कंपैरिजन वीडियो, जो कि आज से पहले किसी ने नहीं किया, और आई एम श्योर कि इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके स्टूडियो के लिए बेस्ट माइक्रोफोन को सिलेक्ट करने में। यस गाइस, इट्स योर बॉय सुल्तान, यू आर वाचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। तो यस गाइस, अनदर एक्साइटिंग न्यूज़ की इन माइक्रोफोन जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उनमें से एक माइक्रोफोन मैं देना चाहता हूँ एक लकी विनर को, जो कि आज के गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर होंगे। और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, दो सिंपल चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपको कॉमेंट्स में बताना है कि इनमें से आपका कौन सा माइक्रोफोन आपको बेस्ट लगा और किस फीचर की वजह से, किस रीज़न से वो आपको बेस्ट लगा, वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जाना है मेरे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर सुल्तान ऑफिशियल पर जाके आपको मुझे फॉलो करना है, और एक पोस्ट में डालने वाला हूँ अगले एक दो दिन के अंदर, और उस पोस्ट में मैं क्लियर करने वाला हूँ इस गिव अवे की सारी कंडीशन। वहाँ पर आपको सिर्फ अपने फेवरेट माइक्रोफोन का नाम वहाँ पर टाइप करना है, और आप कितनी चाहे एंट्री कर सकते हैं। फाइनली हम एक एंट्री को पिक करने वाले हैं रैंडमली, और उसको हम देने वाले हैं इनमें से एक माइक्रोफोन एज ए गिव अवे गिफ्ट। तो जाओ इंस्टाग्राम पे और फटाफट वहाँ पर जितनी ज़्यादा आप कमेंट्स कर सकते हैं वो कमेंट्स आप कीजिए, सो दैट कि आप एक माइक्रोफोन आज जीत के जाए यहाँ से। यस गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यस गाइस, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी माइक्रोफोन USB माइक्रोफोन्स का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, ये सारे ही USB माइक्रोफोन्स हैं जो कि इजी प्लग एंड प्ले प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इन माइक्रोफोन्स को आप इजीली अपने लैपटॉप, अपने PC, अपने स्मार्टफोन्स, अपने आईफोन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये माइक्रोफोन्स आपको देते हैं स्टूडियो लेवल की ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग। और इनमें से किसी माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह का ऑडियो इंटरफेस, किसी भी तरह का मिक्सर आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है, और डायरेक्टली आपका जो डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो, PC हो, या फिर आपका मोबाइल फोन हो, उससे डायरेक्टली ये पावर सप्लाई कंज्यूम करते हैं और आपको एक प्रोफेशनल लेवल की स्टूडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं। सो यस गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट माइक्रोफोन की, जो कि है फ्रॉम मोनो। मोनो हम सभी को पता है कि एक ऐसा ब्रांड है जो कि एंट्री लेवल की USB कंडेंसर माइक्रोफोन बनाता है, और इंडिया में बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी और इसके जो रीजनेबल प्राइस है। फॉर एग्जांपल, जो ये मॉडल है मोनो का, ये आपको इजिली मिल जाता है 2200 रुपीज़ में। और सबसे पहले हम इसको खुलकर चेक करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है। सो यस गाइस, मोनो के AUA040R माइक्रोफोन के साथ आपको मिलता है 16mm का इलेक्ट्रिकल कंडेंसर ट्रांसड्यूसर एंड मैग्नेटिक रिंग, जो कि आपको हेल्प करता है बहुत ही क्रिस्प क्लियर साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करने में। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकल डबिंग क्वालिटी, चाहे वो आप पॉडकास्ट कर रहे हो या फिर आप सिंगिंग कर रहे हो, रैपिंग कर रहे हो, उसमें आपकी बेस काफी अच्छे से इनहेंस होकर है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट माइक्रोफोन फॉर यू इन दिस गिवन बजट। गाइस, कुछ इस तरह का माइक्रोफोन आपको देखने को मिलता है, मैट ब्लैक पेंट हो रखा है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, मेटल ग्रिल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, वेट काफ़ी है माइक्रोफोन में, जिससे आपको ये पता चलता है कि क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसमें आपको ट्राइपॉड मिलता है, जिसके साथ आप इजीली से कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। सो यस गाइस, जो इस टाइम आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं थ्रू दिस मोनो माइक्रोफोन, और इसके ऊपर साथ ही हमने लगा दी है फोम कैप, एंड आई एम श्योर कि इससे इसकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और यस गाइस, ट्राइपॉड स्टैंड के साथ ये कुछ इस तरह का दिखता है, और यस, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ मोनो AUA040R माइक्रोफोन फॉर यू गाइस। तो यस गाइस, जो नेक्स्ट माइक्रोफोन अभी आप देख रहे हैं टेबल पे, वो अगेन है फ्रॉम मोनो, एंड दिस इज मोनो PM461। बहुत ही इनक्रेडिबल माइक्रोफोन है ये गाइस। अगर हम बात करते हैं इसके बिल्ट इन स्पेसिफिकेशन की, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो इन बिल्ट साउंड चिप सेट है, वो आपको 14mm का इलेक्ट्रल कंडेंसर ट्रांसड्यूसर, 192 kHz और 24-bit रेट पे आपको जो सैम्पलिंग आपकी वोकल की होती है वो आपको ये करके देता है, और साथ ही साथ इसकी जो हाई रेजोल्यूशन सैम्पलिंग है वो आपको हेल्प करती है कि इससे जो आपको साउंड क्वालिटी मिले वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प क्लियर हो, और जो इसमें रंबलनेस होती है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है कि उसको एलिमिनेट कर सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए प्रोडक्ट होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, आप देख सकते हैं ब्लैक मेटल से बना हुआ प्रोडक्ट है ये, और इसके अगर आप मैश की बात करते हो तो दैट्स प्लास्टिक मेड, हाई क्वालिटी प्लास्टिक मेड, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम
कंट्रोल नॉब मिल जाता है जिसके थ्रू इजीली आप अपने माइक्रोफोन की वॉल्यूम के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग के साथ आपको मिलता है माइक्रोफोन और साथ ही साथ मिलता है इसका ये ट्राइपॉड जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ट्राइपॉड है और ये आपको हेल्प करता है कि आपको बहुत स्टेबल आपके माइक्रोफोन को रखा जा सके, जिससे आपकी वोकल जो आप डबिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और आप इंस्ट्रूमेंट डब कर रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल रहे। सो यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा माइक्रोफोन कम्प्लीटली सेटअप हो गया विद ट्राइपॉड और साथ ही साथ यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं माउनो PM461 का। सो यस गाइस, अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम माउनो और ये एंट्री लेवल में माउनो के वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन में से एक है और इसके फीचर्स आपको सीरियसली काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम्प्लीट पैकेज है, इसमें आपको अपने माइक्रोफोन डबिंग से लेकर जितने भी आपको गियर्स की ज़रूरत होती है वो सारे आपको इनबिल्ट इसके साथ मिलते हैं। दिस इज़ ए कंप्लीट किट और ये किट जो है ये आती है अराउंड 4000 रुपीज़ की। दिस इज़ माउनो PM420, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट डिपेंडेबल माइक्रोफोन इन द एंट्री लेवल सेगमेंट। तो यस गाइस, स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आप देखेंगे प्रोफेशनल साउंड चिपसेट के साथ इसमें आपको मिलता है 16mm का इलेक्ट्रल कंडेंसर ट्रांसड्यूसर जो कि आपको 192 किलोहर्ट्ज और 24 बिट की हाई रेजोल्यूशन सैम्पलिंग रेट पे डबिंग करके देता है और ये इस माइक्रोफोन को कम्प्लीटली एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन में कन्वर्ट करता है और साथ ही साथ ये आपकी जितनी प्रोफेशनल सेटअप की चीज़ें हैं उसमें आपको हेल्प करता है। सबसे पहले जैसे हम इस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक पॉप फिल्टर, बूम आर्म और शॉक माउंट, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शॉक माउंट। तो यस गाइस, हियर इज द माइक्रोफोन। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, छू के ही पता चल रहा है। इसमें काफ़ी वेट है, प्रॉपर मेटल बॉडी से बना है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैट फिनिशिंग है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ग्लॉसी एक एलिमेंट भी देखने को मिलेगा जहाँ पर कि आपको लोगो देखने को मिलेगा माउनो का। बहुत ज़्यादा वेट, अभी तक हमने जितने भी माइक्रोफोन्स चेक किए उन सब में सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी इस माइक्रोफोन की मुझे लगी, जिसका मतलब है कि काफ़ी ड्यूरेबल होने वाला है और साथ ही साथ इसकी वजह से जो इसकी क्वालिटी है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होने वाला और इसकी जो डबिंग क्वालिटी है वो भी प्रोफेशनल लेवल पर आपको मिलने वाली। तो फटाफट इसकी डबिंग क्वालिटी भी एक बड़ी चेक कर लेते हैं। सो यस गाइस, बूम आर्म पे मैंने अपना सेटअप रेडी कर लिया है और हम देखते हैं कि किस तरह से इसके वोकल सैंपल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यस गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रांड की जो कि है बोया और बोया का PM500, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंट्री लेवल माइक्रोफोन इंडिया में, जो कि आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे माइक्रोफोन में आपको देखने को मिलते हैं। तो यस गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन की प्राइस की, तो ये आपको पड़ने वाला है तकरीबन 4800 रुपीज़ का ऑन अमेजन और इसके साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो भी फटाफट हम देख लेते हैं। सो यस गाइस, दिस इज द माइक्रोफोन और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत हैवी माइक्रोफोन है ये और इसकी बिल्ड क्वालिटी अभी तक हमने जितने माइक्रोफोन देखे उन सब में सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मुझे इस माइक्रोफोन की लगी। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने काफ़ी सारे पुराने वीडियोस में इस माइक्रोफोन को यूज़ किया है ऑन डेली बेसिस। आपको सबसे पहले देखने को मिलती है एक मेटल ग्रिल, मैश ग्रिल और ये पूरी मेटल की बनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड का आपको कैप्सूल देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिलते हैं उनमें सबसे इंटरेस्टिंग है ये स्टैंड जो आपको देखने को मिलता है। ये अगेन बहुत हैवी ड्यूटी स्टैंड है, इसमें आपको मैट ब्लैक कलर का आपको पेंट देखने को मिलता है। अगर आप इसके नीचे की तरफ जाकर देखते हैं तो यहाँ पर आपको USB पोर्ट के साथ ही आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है वो है आपका मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन का सॉकेट। यहाँ पर आपको 3.5mm जैक मिलता है जिसके थ्रू आप इजीली रियल टाइम अपनी जो वोकल आप डबिंग कर रहे हैं उसको अपने हेडफोन पे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने वॉल्यूम लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर नॉब मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो यस गाइस, यहाँ पर आपको म्यूट बटन के साथ देखने को मिलते हैं 4 different पैटर्न, जिसमें कि आपका ओमनी पैटर्न जिसमें कि सारी डायरेक्शन से ये माइक अपनी जो वॉल्यूम से उसको कैप्चर करता है। कैटरियोट पैटर्न जिसमें कि ये सिर्फ सामने से जो हम बात कर रहे हैं उसको लेता है, उसको ऑब्जर्व करता है और बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को इग्नोर करता है, जितनी बाकी साउंड आ रही होती है उसे इग्नोर करता है। साथ ही साथ आपको मिलता है बाय पैटर्न में क्या होता है कि अगर आप दो लोग साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आमने सामने बैठ के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और माइक्रोफोन की कैप्सूल जो है, जो इसका चिप है, वो आपके आगे और पीछे दोनों तरफ की वोकल्स को इजीली रिकॉर्ड कर लेता है। और गाइस, अब यहाँ पर ले लेते हैं एक वोकल टेस्ट और साथ ही साथ कुछ गा भी लेते हैं और देख भी लेते हैं कि सिंगिंग में कैसा माइक्रोफोन परफॉर्म करने वाला है। सो यस गाइस, अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फिफिन। फिफिन बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में और जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ही लो लेवल बजट माइक्रोफोन पे, एंट्री लेवल माइक्रोफोन पे ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है और ये सारे के सारे माइक्रोफोन्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट में। तो यस, टुडेज प्रोडक्ट इज फिफिन K669 जो कि इस टाइम करंटली आपको मिल जाता है अराउंड 5700 रुपीज़ और देखते हैं कि इस छोटे से पैकेट के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है फ्रॉम द फिफिन। तो यस गाइस, अगर हम बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो ये तकरीबन 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करते हैं माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी की, तो ये 34 dB ±30% के आसपास 1 kHz की फ्रीक्वेंसीज आपको प्रोड्यूस करके देता है, जिसका मतलब ये है कि आपको प्रोफेशनल स्टूडियो क्वालिटी वाला
आपको रिकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करने वाला है। सो यस गाइज, हमारा माइक्रोफोन कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है और ट्राइपॉड के साथ ये मिलता है। सो यस गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक मेटल बॉडी देखने को मिलती है जिसमें कि ब्लैक मैट पेंट हो रखा है। और अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रिल की, इसकी मैश ग्रिल की, तो अगेन वो मेटल वाली मैश ग्रिल है, जिसका मतलब कि क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है इसकी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नॉब, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, जिसके वजह से आप इजीली अपनी वोकल के वॉल्यूम लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ट्राईपॉड, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी जो डबिंग है उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने में। तो यस गाइस, ये एक वोकल टेस्ट है ऑन फिफिन माइक्रोफोन। सो यस गाइस, हमने फिफिन के एंट्री लेवल माइक्रोफोन की बात की, और अब बात कर लेते हैं फिफिन के ही एक बेटर वर्जन की, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल स्टूडियो लेवल क्वालिटी का माइक्रोफोन है। तो यस गाइस, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारे सामने है, दिस इज फिफिन के 690 माइक्रोफोन, जो कि इस टाइम इंडिया में आपको मिलता है तकरीबन 6790 यस गाइस 6800 के आसपास का। और जिस तरह से आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी जो ब्रेड है, इसकी जो कैप्सूल, आपको यहाँ पे लार्ज टाइप हम कैप्सूल देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जो साउंड फ्रिक्वेंसी, जो सेंसिटिविटी है, वो बहुत ही रिफाइंड होकर आपको मिलने वाली है। और अगर हम बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स की, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की मेटल बॉडी में ये है, बहुत ही थिक इसमें आपको मैश कलर देखने को मिलती है, अगेन वो भी मेटल बॉडी की है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको म्यूट बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको हेडफोन्स के लिए स्लॉट देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि गाइस, इसमें एब्सोल्युटली नो लेटेंसी आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ पर अपने माइक की वॉल्यूम लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप डिफरेंट पैटर्न्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन जैसे हमने पिछले बार भी कहा कि यहाँ पर आपको कैडरेट पैटर्न मिल जाएगा, बाय पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न मिल जाएगा। और सामने अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पर आपको एक एलईडी लाइट देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका माइक्रोफोन किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर आपको एक म्यूट बटन देखने को मिलता है, अगर आप म्यूट पर जाना चाहते हैं रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने हेडफोन की वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है। कंप्लीट माइक्रोफोन है, इसमें आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, और आई थिंक अभी तक हमने जितने माइक्रोफोन की बात की उन सब में सबसे बेस्ट है फीचर वाइज। तो यस गाइस, अब फाइनली बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट माइक्रोफोन की, और वो है रोड एंटी यूएसबी मिनी। काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि मैं ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, और इस माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए मेरे पास बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि माइक्रोफोन मैं पर्सनली क्यों यूज़ करूँ, और क्यों ये आपके लिए 10,000 की रेंज में सबसे बेस्ट माइक्रोफोन होने वाला है आपके होम स्टूडियो सेटअप के लिए। तो मैं सबसे पहली बात तो कि दिस इज़ रोड, और जो मैन्युफैक्चरर है रोड, वो वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड, सबसे प्रीमियम क्वालिटी के माइक्रोफोन बनाए जाते हैं इस ब्रांड के अंदर। और दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन ब्रांड, जहाँ पर आपको वारंटी भी मिलती है आपके प्रोडक्ट में। तो आप सबसे पहले तो क्वालिटी को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं, आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें इस माइक्रोफोन की, रोड एंटी मिनी की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस माइक्रोफोन जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, जितनी मैंने माइक्रोफोन देखे उन सब में सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी इसके। साइज़ इसका छोटा है, बट जो क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करके देता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और गाइज़, यहाँ पर आप अपने हेडफोन्स को भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, और उसकी लेवल, जो उसके वॉल्यूम लेवल है, आप उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ यहाँ पर आपको इनबिल्ट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, नॉइज गेट, कंप्रेसर भी मिलते हैं, एक्साइटर आपको मिलता है, जो कि हेल्प करता है आपको कि आपकी जो रॉ वोकल्स भी इसमें रिकॉर्ड हो रही है वो भी काफ़ी हद तक फिनिश्ड वोकल जैसी ही साउंड करे, और इसमें आपको बाहर से किसी भी तरह के प्लगइन लगाने को यूज़ नहीं करने पड़ते। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर भी मिलता है रोड के साथ, जो कि इजीली आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर पहले से ही प्रीसेट्स आप यूज़ कर सकते हो, उन प्रीसेट्स के थ्रू आप इजीली अपनी वोकल क्वालिटी को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो, और कम्प्लीटली आपको जो प्रीमियम लेवल के स्टूडियो होते हैं उस क्वालिटी तक की रेंज में आप इसको लेकर जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एम्पलीफायर मिलता है, जिसकी प्रिसिशन लेवल क्वालिटी जो है इस माइक्रोफोन को और ज़्यादा डायनेमिक बना देती है, और साथ ही साथ और ज़्यादा पावरफुल बना देती है। और इसके अंदर जो कैप्सूल है, जिसके अंदर चिपसेट है, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट चिपसेट कंसिडर की जाती है, जो कि रोड मिनी माइक्रोफोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। जिहाद अब भी जारी खुद मेरे साथ से, जंग नहीं और से, खुद अपने हालात से, कश्ती उम्मीदों वाली भरी जज्बात से, सामना करे जैसे अंधेरी बरसात से। जिहाद अब भी जारी खुद मेरे साथ से, जंग नहीं और से, खुद अपने हालात से, कश्ती उम्मीदों वाली भरी जज्बात से, सामना करे जैसे अंधेरी बरसात से। जिहाद अब भी जारी खुद मेरे साथ से, जंग नहीं और से, खुद अपने हालात से, कश्ती उम्मीदों वाली भरी जज्बात से, सामना करे जैसे अंधेरी बरसात से। जिहाद अब भी जारी खुद मेरे साथ से, जंग नहीं और से, खुद अपने हालात से। तो यस गाइस, फाइनली हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो चुका है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इन माइक्रोफोन को चेक कर सकते हैं। मैं इन सभी माइक्रोफोन के लिंक आपको दे दूंगा, अमेजन के लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जाकर आप इन माइक्रोफोन के स्पेसिफिकेशन, इनके प्राइजेस, इनके फीचर्स चेकआउट कर सकते हैं। तो यस गाइस, आई एम श्योर कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।